हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज चर्चा करने वाला हूं क्लास 11th के फिजिक्स में घर्षण। दोस्तों, चैप्टर 3 भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें दोस्तों अपन घर्षण देखेंगे आज, और घर्षण के विभिन्न टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा रहेगा दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज इसमें। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक देखते रहिए, है ना। अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, घर्षण क्या चीज़ है। जब आप चलते हैं ज़मीन पर तो कुछ रुकावट होता है, जब आप दौड़ते हैं तो भी कुछ रुकावट होता है। दोस्तों, वाहन चलती है, कार चलती है, बस चलता है, दोस्तों सभी में कुछ ना कुछ रुकावट होता है, जिससे वो रुक जाता है, है ना। किसी वस्तु को फेंक देते हैं, कुछ दूर तक लुढ़कता है लेकिन वो रुक जाता है। तो इन सब में एक बल कार्य करता है जो वस्तु की गति को रोकता है, या दोस्तों स्थिर है तो उसको गति होने में क्या होता है, विरोध करता है। आप बैठे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, इसका कारण भी दोस्तों उसमें कोई ना कोई वस्तु के ऊपर बल लग रहा है, जिसके कारण वह स्थिर है। तो दोस्तों, इस पे जो बल लगता है उसे अपन क्या बोलते हैं, घर्षण। कहने का मतलब जो गति का विरोध करे उसे हम अपन बोलते हैं दोस्तों घर्षण। तो घर्षण की परिभाषा समझना दोस्तों, जैसे समझिए, जब एक वस्तु, यहाँ पर मैंने लिखा है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है, तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है जो उसके मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है। इस गति के विरोधी को दोस्तों हम घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, जो गत्यावस्था या विरामावस्था में लाने के लिए, मतलब स्थिति में परिवर्तन करने के लिए एक बल कार्य करता है जो उसका विरोध करता है, है ना। इस विरोधी बल को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों। मैंने क्या कहा, जब कोई वस्तु एक दूसरे पर रखी हुई है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर गति कर रही है या स्थिर है, तब उसके गति में परिवर्तन करने में जो विरोध उत्पन्न होता है, जो विरोधी बल लगता है दोस्तों, उसे अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों, घर्षण कहते हैं, घर्षण बल। अब दोस्तों, घर्षण संबंधित कुछ तथ्य हैं, इनको भी आपको समझना है कि घर्षण सदैव दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करती है। दोस्तों, घर्षण हमेशा कैसे कार्य करती है, तो दो संपर्क तलों के मध्य कार्य करती है, है ना। तो घर्षण सदैव दो संपर्क तलों के मध्य कार्य करेगी, सिंगल में कभी नहीं होगा। जैसे आप चल रहे हैं तो आपके और जमीन के तल के बीच घर्षण होगा, आपके पैर और जमीन के तल के बीच। रोलर लुढ़कता है दोस्तों, तो रोलर और ज़मीन पर घर्षण होता है। यानी जैसे आपका कोई भी वाहन चल रहा है तो उसके पहिए और ज़मीन के बीच घर्षण होता है। मशीन के पुर्जे दोस्तों आपस में एक दूसरे पुर्जे से घर्षण करते हैं, है ना। घर्षण दोस्तों गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे आप आगे की ओर चल रहे हैं पूर्व की ओर, तो घर्षण पश्चिम की ओर लगेगा, विपरीत दिशा में हमेशा घर्षण कार्य करता है, ठीक है। तो घर्षण कैसे कार्य करता है दोस्तों, जो गति होता है जिस दिशा में हम कार्य कर रहे होते हैं उसके अपोजिट कार्य करता है। अगला दोस्तों, घर्षण संपर्क तलों के समानांतर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, समानांतर कार्य करता है। दो वस्तुओं के मध्य अपेक्षित गति होने पर ही घर्षण बल कार्य करता है। दोस्तों, यदि गति नहीं है तो घर्षण कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। यदि कोई वस्तु गति नहीं कर रहा है, वो सीधा सीधा स्थिर है दोस्तों, वो गति करने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, तब पर भी दोस्तों उस पर घर्षण कार्य नहीं करता है, ठीक है। अगला दोस्तों, घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। कैसा बल है दोस्तों घर्षण बल, तो असंरक्षी बल है ना। अब दोस्तों, कुछ परिभाषाएं जैसे अपन चर्चा करने वाले हैं, ससंजक बल और असंजक बल किसे कहते हैं, तो समझिएगा। ससंजक बल दोस्तों, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। दोस्तों, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन अणु से ही जो बल लगेगा दोस्तों, ससंजक बल कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, जब विभिन्न परमाणुओं के बीच या भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच बल लगता है, उसे असंजक बल कहते हैं। अब दोस्तों, जब क्या कहा मैंने, एक ही प्रकार के वस्तुओं और उनके एक ही प्रकार के अणु हो, तब उनके बीच बल लगता है, तो उसे ससंजक बल कहते हैं। दोस्तों, ससंजक बल के कारण ही पदार्थ एक दूसरे से चिपके होते हैं, लेकिन दोस्तों जिस पर असंजक बल लगता है उस पर जो होते हैं पदार्थ चिपकते नहीं हैं। जैसे आपने ग्लास में पानी रख दिया, तो ग्लास से दोस्तों पूरा का पूरा पानी तली पर चला जाता है, मतलब पूरी तरह से नहीं चिपकता। कारण दोस्तों, उसमें असंजक बल होता है, लेकिन पानी एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के अणुओं के बीच, यानी पानी पानी जो है दोस्तों, दोनों के बीच आपस में क्या होगा, ससंजक बल लगेगा। तो जब वस्तुओं के बीच ससंजक बल लगता है, तो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से संयोजित होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब असंजक बल होता है तो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। इस प्रकार असंजक ससंजक समझ में आ गया। ससंजक एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। विभिन्न परमाणुओं के बीच, अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं दोस्तों, असंजक बल कहते हैं।
अब आगे चर्चा करने वाले दोस्तों घर्षण के प्रकार। तो मुख्य रूप से घर्षण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। अब दोस्तों गतिक घर्षण के भी दो प्रकार होते हैं, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। दोस्तों क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर लिखिए, है ना। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दोस्तों कि घर्षण क्या है, घर्षण कितने प्रकार है, प्रकार सहित समझाइए। दोस्तों क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं स्थैतिक घर्षण, इसके बाद गतिक घर्षण। अब दोस्तों स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण मेन दो प्रकार हैं, इसके बाद गतिक घर्षण के सर्पी और लोटनिक घर्षण दो प्रकार हैं, ठीक है। अब दोस्तों समझिए स्थैतिक घर्षण क्या है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह बल लगाया जाता है किंतु वह वस्तु की स्थिति ही रहती है, मतलब दोस्तों वही स्थिति बनी रहती है, तो उसके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों जब एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु स्थिर रूप से रखा हुआ है और हम उस पर बल लगा रहे हैं, और बल लगाते हैं फिर भी गति नहीं कर रहा है, गति करने का प्रयास कर रहा है लेकिन गति नहीं कर रहा है, मतलब उस पर एक विरोधी बल कार्य कर रहा है जो उसको गति करने के लिए रोक रहा है, तब उसे कहते हैं दोस्तों अपन स्थैतिक घर्षण। मतलब जो गति करने के लिए रोके तो उस पर जो घर्षण बल लगता है दोस्तों उसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण या स्थैतिक घर्षण बल। तो समझ गए कि जब कोई वस्तु स्थिर है और गति करने का प्रयास करता है, हम उस पर बल लगाएंगे तभी तो गति करने का प्रयास करेगा। दोस्तों जब गति करने का प्रयास करता है तो उस पर एक बल लगाकर करता है जो उसकी गति का विरोध करता है, जिसे ही बोलते हैं दोस्तों स्थैतिक घर्षण। जैसे आप रख दें टेबल पर रखा हुआ पुस्तक, उस पर जब हम बल लगाते हैं तो दोस्तों पहले वो अपने स्थिर अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, मतलब गति करने का विरोध करता है, और उसमें एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है, वो बल होता है दोस्तों क्या दोस्तों, संरक्षी बल, सॉरी दोस्तों स्थैतिक घर्षण बल या स्थैतिक घर्षण, ठीक है ना। अब दोस्तों गतिक घर्षण तो सिंपल है, स्थैतिक मतलब स्थिति के कारण, मतलब स्थिर अवस्था के कारण, तो यहाँ पर जो गतिक है तो गति के कारण होगा, है ना। तो समझिए दो संपर्क तलों के मध्य अपेक्षित गति उत्पन्न होने के पश्चात कार्य करने वाले को घर्षण की गतिज घर्षण कहते हैं। मतलब दोस्तों यदि कोई वस्तु गति अवस्था में गति कर रहा है, गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और गति करते समय दोस्तों उनके संपर्क तलों के बीच, जैसे दोस्तों रास्ते में वाहन चल रहा है ना, तो पहिए और मार्ग के बीच दो घर्षण लगता है दोस्तों उसे अपन क्या बोलते हैं, गति घर्षण। आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल के पहिए और दोस्तों किसके बीच, मार्ग के बीच यानी समतल सतह के बीच जो घर्षण कार्य करता है, जो उस पर विरोधी बल कार्य करता है, उसे बोलते हैं दोस्तों गतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण समझ में आ गया। स्थैतिक घर्षण क्या दोस्तों, जो किसी वस्तु के स्थित होने पर मतलब स्थिर अवस्था में है तो उसके विरोध में जो एक बल कार्य करेगा उसे स्थैतिक घर्षण। लेकिन दोस्तों जब दो पृष्ठ एक दूसरे के ऊपर गति कर रहे हैं, मतलब दोस्तों दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे से संबंधित है, जब गति अवस्था में है तब उस पर दोस्तों जो बल कार्य करेगा, विरोधी बल कार्य करेगा, तब उससे अपन बोलेंगे क्या बोलेंगे दोस्तों, गतिक घर्षण कहेंगे। अब दोस्तों मैंने कहा था ना कि गतिक घर्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तो सर्पी घर्षण और दूसरा लोटनिक घर्षण। तो इनको भी समझना है। सर्पी मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को खिसकाया जाए, है ना, किसी को एक सिरे पर बांधकर खिसका दिया जाए। तो दोस्तों जब हम उसको क्या करेंगे, खिसकाएंगे, है ना, खींचेंगे, तो सीधे संपर्क तल के संपर्क तल से गति करेगा, मतलब तल को स्पर्श करते हुए गति करेगा और उसके विरोध में एक बल कार्य करेगा, है ना, तब उसे क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण। कहने का मतलब दोस्तों एक आप पत्थर लें, पत्थर को दोस्तों क्या करें, एक रस्सी से बांधें और उसे खींचें, तो क्या होगा दोस्तों, पत्थर का पूरा भाग जमीन से तल स्पर्श करते हुए चलेगा, तब उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलेंगे सर्पी घर्षण। लेकिन लोटनिक घर्षण दोस्तों क्या होगा कि जब यदि कोई पहिया है, उस पहिए को अपन क्या करें, घुमाएं, तो दोस्तों क्या होता है, उसके भिन्न भिन्न भाग जमीन के संपर्क तल से क्या करेगा, संपर्क करेगा, तब दोस्तों उनके भिन्न भिन्न भाग के बीच जो एक विरोधी बल कार्य करता है, जो उसकी गति को रोकता है, उसे बोलते हैं दोस्तों लोटनिक घर्षण। सिंपल है ना, समझिए। जब अब सर्पी घर्षण की परिभाषा समझिए, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है दोस्तों, तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को अपन क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण। फिसलना, जैसे दोस्तों इसको सीधा खींच दूं ऐसा, लेकिन दोस्तों जब इसको ऐसा देखिए ये घूम रहा, ये हो गया दोस्तों लोटनी, लेकिन इसको ऐसा सीधा खींचा जाए, तो लोटनी कहेंगे, ये सर्पी है, लेकिन ऐसा घुमाया जाए दोस्तों, ये कौन सा घर्षण है इसमें लगेगा, तो लोटनी घर्षण लगेगा। चीजें समझ में आ गई। मैं इस पेन को, है ना, स्केच पेन को दोस्तों सीधा खींच दूं तो ये सर्पी घर्षण का काम करेगा। जैसे इसको सीधा सा खिसका रहा हूं, ये देखिए, तो इसमें सर्पी घर्षण। लेकिन दोस्तों ये बेलन की बात है, इसको घुमाएं हम, है ना, तो दोस्तों इनके बीच क्या लगेगा, लोटनी घर्षण लगेगा।
तो लुढ़नी घर्षण जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लुढ़कती है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या होती है लुढ़कती है, तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाली घर्षण को अपन बोलते हैं दोस्तों सर्पी घर्षण। तो सर्पी घर्षण दोस्तों सॉरी लोटनी घर्षण है दोस्तों, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, लोटनी घर्षण है ठीक है, मतलब जब लुढ़केगा तो लोटनी घर्षण होगा, और जब दोस्तों संपर्क तलों के मध्य कार्य करेगा और फिसलेगा तब वहां पर सर्पी घर्षण। अब दोस्तों चलिए इसका देखते हैं अंतर, क्योंकि अंतर पूछा जाता है जो आपको तैयार करना है। तो दोस्तों अंतर में तो एक अंतर परिभाषा ही है जो हमने बताया आपको कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को हम क्या बोलते हैं सर्पी घर्षण। मतलब फिसलती है दोस्तों, फिसलाते हैं किसी वस्तु को, खींचते हैं तो उसके बीच एक विरोधी बल कार्य करता है जिसे अपन बोलते हैं सर्पी घर्षण ठीक है। लोटनी घर्षण दोस्तों, तो लोटनी घर्षण में जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले बल को घर्षण को या बल को दोस्तों क्या बोलते हैं लोटनी घर्षण ठीक है। सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से अधिक होता है क्योंकि ज्यादा बल लगता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है तो वो संपर्क तल को छूते हुए उसे खींचा जाता है, इसलिए उस पर ज्यादा थोड़ा समान होता है, यानी उस पर ज्यादा विरोधी बल लगेगा तो उस पर घर्षण क्या होगा ज्यादा होगा। लेकिन दोस्तों जो लोटनी घर्षण का मान होता है सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है, कहने का मतलब सर्पी घर्षण का मान लोटनी से अधिक और लोटनी घर्षण का मान सर्पी से क्या होता है कम होता है ठीक है। अब दोस्तों सर्पी घर्षण में इस घर्षण में फिसलने वाली वस्तु का वही भाग सदैव यहां पर दोस्तों दूसरी वस्तु के संपर्क में या दूसरी है ठीक है। इस घर्षण में फिसलने वाली वस्तु का वही भाग सदैव दूसरी वस्तु के संपर्क में रहता है दोस्तों, मतलब बदलता नहीं है, मतलब जिस भाग को अपन जैसे देखिए इसको अपन खिसका रहे हैं तो केवल जो भाग टच कर रहा है वही भाग करेगा, ऊपर वाला भाग नहीं करेगा। लेकिन इस स्केच पेन को मैं घुमा दूं इसके भिन्न भिन्न भाग तली को क्या करेंगे या तल को स्पर्श करेंगे, तो इसमें दोस्तों क्या होता है घर्षण में लगने वाली वस्तु के भिन्न भिन्न भाग दूसरे वस्तु के संपर्क तल में आते हैं। कहने का मतलब दोस्तों सर्पी घर्षण में केवल एक ही भाग फिसलता रहता है, लेकिन दोस्तों ये जो वेलन घर्षण है या लोटनी घर्षण है इसमें दोस्तों क्या होता है कि भिन्न भिन्न भाग वस्तु के संपर्क में आते रहते हैं। अब दोस्तों घर्षण में एक शब्द आता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों सीमांत संतुलन समझते हैं। सीमांत संतुलन क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह विरोधी घर्षण बल कार्य करने लगता है। कहने का मतलब दोस्तों जब किसी वस्तु पर अपन बल लगाते हैं तो उसमें विरोधी बल घर्षण कार्य करने लगता है, किंतु ज्यो-ज्यो हम वाह बल बढ़ाते हैं तो दोस्तों घर्षण का मान भी बढ़ने लगता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि वस्तु ठीक चलने को तैयार हो जाती है, इस स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों एक वस्तु है कोई गति नहीं कर रहा है, उस पर हम बल लगा रहे हैं तो गति करने का प्रयास कर रहा है, एक स्थिति ऐसी आती है को अंतिम चरण सीमा पर होता है और गति करने के लिए बस तैयार होता है, बस अब गति करने ही वाला होता है, मतलब अब इस स्थिति के से अधिक यदि अपन बल लगा दे तो गति ही कर देगा, तो दोस्तों उसे अपन बोलेंगे सीमांत संतुलन। संतुलन मतलब स्थिर, एक ऐसा बल जिस बल से दोस्तों ऐसा स्थित हो कि वस्तु गति करने ही वाला है, अब एक भी अधिक न्यूटन बल कार्य लगाते हैं हम उस पे तो गति करने लगेगा, तो इस स्थिति को बोलते हैं सीमांत संतुलन। मतलब कोई वस्तु स्थिर है, बल लगा रहे हैं तो घर्षण बल तो लग ही रहा है, लेकिन जब बल लगाते जाते हैं दोस्तों घर्षण बल का मान कम होने लगता है, तो घर्षण बल का मान दोस्तों यहाँ पर जो बढ़ने लगता है ना तो कम होगा, किसी पर बल लगाएं तो घर्षण बल तो कम होगा ना यार, समझिए सिंपल है, क्योंकि दोस्तों घर्षण बल जब कम होगा तभी तो गति करेगा, तो घर्षण बल कम होने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि गति करने की अवस्था में आ जाता है, तब दोस्तों उससे अपन क्या बोलते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति। तो अब ये सीमांत घर्षण क्या है कि सीमांत संतुलन की स्थिति में संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहते हैं। मतलब दोस्तों सीमांत संतुलन है, सीमांत संतुलन क्या कहलाया कि एक ऐसी स्थिति की जब वस्तु गति करने ही वाला होता है वह स्थिति सीमांत संतुलन कहलाता है, और सीमांत संतुलन की स्थिति में दोस्तों जो घर्षण लगेगा उसे अपन बोलेंगे सीमांत घर्षण। ठीक है ना, चीजें समझ में आ गई दोस्तों, सीमांत घर्षण क्या है, सीमांत संतुलन की स्थिति क्या है। अब दोस्तों सीमांत संतुलन की स्थिति पर वस्तु पे किस किस प्रकार के बल कार्य करते हैं उसको भी अपन को समझना है। तो जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा कि एक आपके पास पृष्ठ है, इस पर कोई गुटका या कोई पदार्थ रखा हुआ है, तब इस पर दोस्तों चार बल कार्य करते हैं। कितने बल कार्य करते हैं, चार बल कार्य करते हैं। पहला बल दोस्तों W बराबर mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है। वस्तु ए है दोस्तों, ये वस्तु है आपके पास, इसका भार mg दोस्तों, W बराबर mg होता है हमेशा, भार ऊर्ध्वाधर कहाँ दोस्तों, नीचे की ओर। पहला आपने याद कर लिया, पहला बल कौन सा दोस्तों, पहला बल
वस्तु का भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन का तृतीय नियम कि अभिलंब प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब जितना बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है दोस्तों, तो ऊपर की ओर भी कुछ ना कुछ बल जो है कार्य कर रहा होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, हमेशा कोई वस्तु होता है दोस्तों उस पर एक बल कार्य करता है जो अभिलंब प्रतिक्रिया कहलाता है और हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा पे कार्य करता है। तो वस्तु पर एक बल कार्य करता है कौन सा? अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। आपको लिख लेना दोस्तों, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए सीमांत संतुलन की स्थिति क्या है, सीमांत संतुलन की स्थिति पर वस्तु पर कितने प्रकार के कार्य होते हैं, तब आपको दोस्तों इन चीजों को लिखना है। मैंने क्या कहा, सीमांत संतुलन की स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि जब दोस्तों कोई वस्तु गति करने ही वाला हो लेकिन गति ना कर रहा हो, तब उसे हम बोलेंगे सीमांत संतुलन की स्थिति, ठीक है ना। और दोस्तों इस स्थिति पे, सीमांत संतुलन की स्थिति पे जब ऊपर ऊर्ध्वाधर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अपन अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो दो बल हो गए। तीसरा दोस्तों, जिस स्थिति में वस्तु गति कर रहा है, जैसे मान लेते हैं ये दोस्तों आपके पास ये वस्तु एफ की दिशा, यहां पे देखिए, यहां पर दोस्तों गति के दिशा में एक बल कैसे करता है, गति के दिशा में एफ, कैपिटल एफ, ठीक है। और दोस्तों चौथा जो होता है वो घर्षण बल होता है जो गति के विपरीत दिशा में होता है। गति के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो चौथा कौन सा बल दोस्तों, घर्षण बल एफ एस दोस्तों घर्षण बल है, तो ये गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीख लिया दोस्तों, वीडियो लंबा था लेकिन बहुत कुछ सीखे होंगे। अब दोस्तों कुछ तथ्य और है जो एक दो पॉइंट मैं समझा देना चाहता हूँ। जो भी आपने देखा क्या, लोटनी घर्षण, दोस्तों यहाँ पर जो लोटनी घर्षण आपने देखा वो लोटनी घर्षण का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको समझाया था, ये देखिए लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण का दूसरा नाम दोस्तों बेलन घर्षण या बेलन घर्षण है, याद कर ली, ठीक है ना। लोटनी घर्षण का दूसरा नाम दोस्तों बेलन घर्षण या बेलन घर्षण है, इनको आप याद कर ली, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे घर्षण बताया, तो दोस्तों घर्षण का मान जो होता है संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, इसको भी याद कर लें, नोट डाउन कर लें कि घर्षण का मान संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। नोट डाउन कर लें दोस्तों, घर्षण का मान संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, संपर्क तलों को चिकना करने पर मतलब पृष्ठ दुरदुरा ना हो, चिकना हो, तो दोस्तों उस पर घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। संपर्क तलों को चिकना करने पर घर्षण बल का मान सदैव क्या हो जाता है, कम होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट और लिखते चलें, कुछ पॉइंट और नोट डाउन करते चलें मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, जो सीमांत घर्षण होता है, सीमांत घर्षण का मान दोस्तों स्थैतिक घर्षण से अधिकतम होता है ना। कहने का मतलब जो स्थैतिक घर्षण का उसका अधिकतम मान ही सीमांत घर्षण कहलाता है, ठीक है ना। याद कर लीजिए कि सीमांत घर्षण जो होता है दोस्तों स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है, ठीक है। मैं इन चीजों को जो बोल रहा हूँ दोस्तों आपको लिखते चलना है ताकि आप लोगों की बेसिक चीजें समझ में आ जाए। अगला दोस्तों, गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से क्या होता है दोस्तों, कम होता है, ठीक है ना। गति घर्षण का मान सीमांत घर्षण के मान से कम होता है। कुल मिला के दोस्तों सबसे ज्यादा होता है सीमांत घर्षण का मान, ठीक है ना। चीजें क्लियर हुई। अब दोस्तों अगला है, यदि बाह्य बल के मान में बढ़ाने पर, यदि बाह्य बल बढ़ा दें किसी वस्तु पर दोस्तों, तो उसके गति घर्षण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोई गति घर्षण कर रहा है, गति कर रहा है दोस्तों, तब बाह्य बल बढ़ाने पर उसके गति घर्षण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीजें थी दोस्तों जो कि आपको बताना था। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज समझ गए होंगे। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों घर्षण के नियम, घर्षण के गुणांक, ठीक है। तो फिर दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।